इंग्लिश सीखने का सबसे आसान तरीका क्या है? देखिए, मेरे हिसाब से अगर आपको कोई भी लैंग्वेज सीखनी है तो आपको करनी पड़ेगी उसके लिए प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा। आप देखो ना, अंग्रेजों के जो बच्चे होते हैं बचपन से इंग्लिश बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो हैबिचुअल होते हैं, उन लोगों के साथ में बड़े हो रहे हैं, वो अपने आप ही बोलना सीख जाते हैं। अगर आप कोई भी नेटिव लैंग्वेज बोलते हो तो आपके घर में अगर बच्चा होगा, वो बड़ा होगा, अपने आप ही वो लैंग्वेज बोलना शुरू कर देता है। तो सबसे बड़ा तरीका है कोई भी लैंग्वेज सीखने का, वो है प्रैक्टिस। आपको उन लोगों के साथ में रहना पड़ेगा, उन लोगों के साथ उस लैंग्वेज में बात करनी पड़ेगी जो कि आप सीखना चाहते हो। तो इंग्लिश सीखने का यही रास्ता है। पर अब क्या होता है, ज्यादातर लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो थोड़े बड़े हो चुके हैं, आपके दिमाग में कुछ डर होते हैं। वो डर क्या होते हैं? अगर मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, क्या मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा, कहीं मेरी ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है, कहीं मैंने कोई वोकैब सही यूज करी है या नहीं करी है, मैंने कोई गलत वर्ड तो नहीं यूज कर दिया, मेरी प्रोनाउंसिएशन सही है या नहीं है। तो ये छोटे छोटे जो डर होते हैं ना, इसके चक्कर में हम फ्लुएंटली नहीं बोल पाते। आप थोड़ी थोड़ी इंग्लिश बोल पाओगे टूटी टूटी, पर आप बहुत ज्यादा सोचते हो, उस चक्कर में आपकी फ्लुएंसी भी नहीं आ पाती। तो कैसे सीखा जाए? सबसे पहले तो आपको अपना बेस क्लियर करना पड़ेगा, आपको बेस सीखना पड़ेगा इंग्लिश का, और साथ के साथ में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी राइट लोगों के साथ में जो कि आपके साथ में ग्रो होना चाहते हैं। चाहे आप अपना लाइफ पार्टनर चुन सकते हो, अपने कोई दोस्त चुन सकते हो, या फिर एक ऑल्टरनेटिव देता हूं, जोश वालों का एक कोर्स है इंग्लिश स्पीकिंग का। उसके अंदर क्या है, यही है लर्निंग वाला सीन। तो आपको रोज की कुछ वीडियोस मिलती है, कुछ प्रैक्टिस सेशन मिलते हैं, आपको सिखाया जाता है, साथ में आपको प्रैक्टिस भी करनी होती है। उसमें कुछ ग्रुप का ऑप्शन भी है, वहां पे जिस भी टॉपिक के अंदर आपको इंटरेस्ट है उस टाइप का आप कोई ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, और उसके बाद में आप उन ग्रुप के लोगों के साथ में बातचीत करके पार्टिसिपेट करके प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये सही है, और ज्यादा रेट भी नहीं है, बहुत नॉमिनल प्राइस है मेरे हिसाब से, अगर आप एक लैंग्वेज सीखना चाहते हो तो। और हाँ, एक चीज बताना भूल गया था यार, मैंने सुप्रिया जी के साथ में इंटरव्यू किया है फाउंडर अनफिल्टर्ड के अंदर, जाके वो देखो, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक भी दे दिया है। और बहुत बढ़िया था, उन्होंने पूरी जोश की स्टोरी बताई है, किस तरीके से जोश बनाया उन्होंने, किस तरीके से अभी जोश स्किल के ऊपर काम कर रही है। साथ में उन्होंने इंग्लिश वाले कोर्स के बारे में बताया था, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि उनका इंग्लिश वाला कोर्स अच्छा है। जाओ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक करो।